नमस्कार, मैं विनीता विनीज मिल्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी जो एकदम परफेक्ट तरीके से बनाएंगे और बहुत ही जल्दी, मतलब 10 मिनट में हमारे ओट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 1 कप ओट्स लेकर उसे पहले अच्छे से धीमी आँच पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब हमारे ओट्स अच्छे से रोस्ट हो जाएँ तो जितने ओट्स हैं उसका हम इसमें 3 गुना दूध ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें दूध और पानी दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 कप ओट्स लिए थे तो मैंने यहाँ पर 3 कप दूध डाला है। अब सबको डाल के अच्छे से मिक्स करना है। 2-3 मिनट में ही हमारे ओट्स अच्छे से पकने लगेंगे। जब हमारा दूध में अच्छे से बॉईल आ जाएगा तब हमारे ओट्स इमीडिएट पककर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कैसे अच्छे से बॉईल आ गया। ओट्स जब सिक जाते हैं ना तो बनने के बाद एकदम ऐसे लेसी लेसी ऐसे चिकने नहीं लगते, इसलिए ओट्स को सेकना कंपलसरी है। बस अब हम इसमें 3 चम्मच शक्कर ऐड कर देंगे, फिर उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छा हमारा ओट्स का क्रीमी टेक्सचर आ गया है। बस शक्कर डालने के बाद उसके 1 या 2 मिनट तक ही हमें उबालना है, उनको ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारे ओट्स ऑलमोस्ट पककर तैयार हो गए हैं। अब हम मैंने इसके अंदर जो ड्राई कोकोनट आता है ना उसे ग्रेट करके वो लिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें करीब ड्राई कोकोनट का डाला है। ये देखिए इसे ग्रेट कर लिया और इसमें ऐड कर दिया, और थोड़े से मैंने इसमें काजू और बादाम भी डाले हैं। हम इसे हेल्दी रेसिपी के रूप में बनाने जा रहे हैं ना, तो बस इसमें इतनी ही चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं और बस सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। कोकोनट डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए हमारे ओट्स बनकर तैयार हो गए। अगर आप इसमें शक्कर ना डालना चाहें, इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहें तो आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हनी जब अगर डालना है तो आप ये रेसिपी कुक होने के बाद ही उसमें ऐड कीजिए हनी को। बस हमारे ओट्स पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। आप भी इसी तरह से बनाइए और ऐसे सर्व कीजिए। आप चाहें तो ऊपर से उसमें और थोड़े से कुछ नट्स डालकर उसे अच्छे से गार्निश कर सकते हैं। और हाँ, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे अपना फीडबैक विनीज मिल्स पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आया है अपने इस ओट्स का। बस आप भी ऐसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं अपन अगली नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।